सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया है और अब इस अवार्ड का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। मोदी ने कहा कि देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब एक गोल्ड मेडल जिसकी कमी थी वो भी पूरा लंदन के बराबर पहुंच गए थे पिछले मेडल के साथ ही, और ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में भारत का। शिवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, इस वक्त हम ये बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब तक ओलंपिक के इतिहास में भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल 2008 में लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा, और 13 साल बाद 2021 में इस कारनामे को दोहराया है नीरज चोपड़ा ने। और इस वक्त जो फीलिंग है हम सब के अंदर, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं, आप न्यूज़ रूम में सुने किस तरीके से तालियां बज रही हैं, ये कमिटमेंट, और ये इस वक्त भारत के हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ओलंपिक हो गया, क्योंकि अभी तक जो हमने गोल्ड मेडल जीते थे, 8 गोल्ड मेडल भारत के जो थे वो हॉकी के खेल से थे। इंडिविजुअल गेम में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल, और इसी गोल्ड मेडल के साथ भारत की जो मेडल टैली है वो पहुंच गई 7 पर, यानी जो 2012 में हमने 6 मेडल जीते थे हम उससे भी आगे निकले, और अब हमारे पास एक गोल्ड मेडल है जो 2012 में नहीं था। यानी ये इतिहास 2008 अभिनव बिंद्रा और उसके बाद 2021 नीरज चोपड़ा। सैल्यूट है नीरज चोपड़ा को, जिस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस की और ये इतिहास रचा है भारत के लिए।